इस टाइम पर जब बहुत सारे लोगों की नौकरियां जा रही हैं, लोगों के बिजनेस बंद होने के कगार पर हैं और लोगों को पैसे की जरूरत है, तो लोग इस टाइम पर करें क्या? या तो लोग अपना गोल्ड या कोई कीमती चीज को गिरवी रखेंगे लोन के अगेंस्ट, या फिर उन चीजों को बेचेंगे। इस वीडियो में मैं यही कवर करने वाला हूँ। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होगी, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, साथ साथ वीडियो पे कॉमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है वरुण कुमार और मैं हूं आप लोगों का इंडियन बिलियनेयर। आज के वीडियो में हम कवर करने वाले हैं लाइव मिंट का आर्टिकल, जिसका ये टाइटल है कि बैंक्स आजकल गोल्ड लोन को क्यों प्रमोट कर रहे हैं। जो गोल्ड बैक्ड लोन्स होते हैं, यानी कि जब आप अपना सोना को गिरवी रखते हैं लोन के अगेंस्ट, वो बहुत पॉपुलर हो रहे हैं आजकल बैंक्स के बीच में। क्यों? क्योंकि बैंक्स जो हैं इनको सेफर मानते हैं एज कंपेयर टू अनसिक्योर्ड बोरोइंग। अनसिक्योर्ड बोरोइंग यानी कि मान लो कुछ गिरवी नहीं रखा आपने, बट आपका क्रेडिट के बेस पर आपको लोन दिया कि हाँ ये बंदा इतना कमाता है, इतना लोन तो आराम से दे देगा। इस बेस पर आपको लोन देते हैं, और मतलब फ्रॉड तो नहीं हो जाता है, बट लार्ज स्केल पर प्रॉब्लम आ जाती हैं जब आपके पास पैसे नहीं होते हैं रिटर्न करने के, इवन दो आपका क्रेडिट अच्छा है। तो यहाँ पर ये बात हो गई कि आजकल बैंक्स प्रमोट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनके लिए भी वो एक सेफर ऑप्शन है एज कम्पेयर टू अनसिक्योर्ड बोरोइंग, यानी कि पर्सनल लोन्स। यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है उमेश पटेल का, जो कि एक फार्मर है महाराष्ट्र के। उन्होंने 40 ग्राम गोल्ड ज्वेलरी को गिरवी रखा 1.3 लाख रुपीज के लिए, ताकि वो सप्लाईज खरीद सकें अपनी खेती बाड़ी के लिए, जो नेक्स्ट क्रॉप आ रहा है। बहुत सारे जो इंडियंस हैं वो यूज करते हैं गोल्ड को, जिससे वो लोन सिक्योर कर सकते हैं। बैंकर्स और इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि बैंक्स इस टाइम पर गोल्ड लोन देना प्रेफर नहीं करते हैं। पेंडेमिक की वजह से फियर हो सकता है लोगों के पास शायद पैसे ना हो, या इंटरेस्ट रेट्स बाद में फिर ऊपर चले जाएंगे। तो अभी मैं आगे बताऊंगा कि यहाँ पर क्यों उनका पैसे देने का मन नहीं कर रहा होगा। स्टेट रन जो बैंक्स हैं वो बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स मांग रहे थे क्रॉप लोन्स के लिए, और उनको ढूंढ के सबमिट करना, ये सब करना इतनी जल्दी आसान नहीं था, ऐसा पाटिल ने बोला। तो यहाँ पर काफी अजीब लगा मुझे सुन के कि हमारे फार्मर्स को जो क्रॉप के लिए लोन नहीं मिल पा रहा, बिकॉज इतनी चीजें देनी है, लेकिन गोल्ड में आपको सिर्फ दे दो और पैसा मिल गया, वो ज्यादा इजी है अगर, तो इट इज नॉट अ गुड साइन। तो इन्होंने बोला कि इन्होंने ये डिसाइड किया कि वो ज्वेलरी को ही गिरवी रख देंगे, और उनको लोन मिल गया एक लोकल कोऑपरेटिव बैंक से 1 घंटे के अंदर। देख रहे हो आप, खेती बाड़ी के लिए लोन चाहिए, उसके नाम पर लोन चाहिए, वो मिलने में इतनी झंझट और गोल्ड में इतना आसान। तो जब सरकार गोल्ड को या कोई भी गोल्ड को डीमोटिवेट करता है, यानी कि मतलब प्रमोट नहीं करता है, तो यहाँ पर आप देखो गोल्ड ही है जिसने आपको इतने आसानी से लोन प्रोवाइड करवाया, वरना आप धक्के खाते रहोगे। और काफी बैंक्स होंगे जो इस टाइम पर गोल्ड मतलब नॉर्मल लोन देने को तैयार भी नहीं होंगे, इवन दो मैंडेटरी है देना चाहिए, बट बहाने बनाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो सिक्योरिटीज के अगेंस्ट वो ज्यादा प्रेफर करते हैं, सेफ खुद को भी समझते हैं। और गोल्ड एक ऐसी चीज है जो मैं मानता हूँ आपको कोई भी डिमोटिवेट करे कि मत लो, आप जरूर लो। तो ये तो मैं हर वीडियो में कवर करता ही। तो यहाँ पे ये लिखा है कि गोल्ड को सिक्योरिटी की तरह यूज करना कोई बड़ी बात नहीं इंडिया में, और गोल्ड बैक्ड जो लोन्स हैं वो आजकल बहुत पॉपुलर होते जा रहे हैं। वो तो है, अब तो बहुत पॉपुलर होते जा रहे हैं। इंडिया की जो इकोनॉमी है वो कॉन्ट्रैक्ट करने वाली है इस फाइनेंशियल ईयर, यानी कि थोड़ा धीरे हो जाएगी या पीछे जाएगी जैसे जैसे हमारा पेंडेमिक ऊपर जा रहा है। तो इस टाइम पर मैं आपको सबसे पहले दिखाना चाहता हूँ, एक बेसिक बताना चाहता हूँ होम लोन और गोल्ड लोन के बारे में। यहाँ पर है थोड़े होम लोन के इंटरेस्ट रेट, जो कि मैंने इस paisabazaar.com वेबसाइट से उठाया है। इसमें रियल डेटा शायद डिफरेंट होगा, तो अपने अपने बैंक से पता करें प्लीज। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं खूब सारे बैंक दे रखे हैं और यहाँ कुछ इंटरेस्ट रेट दे रखा है। तो मैं मानता हूँ कि 7 से 10% इंटरेस्ट रेट होगा मिनिमम, और प्रोसेसिंग भी दे रखी है। तो इसमें क्या है, पढ़ते पढ़ते मुझे पता चला कि लोन्स में दो टाइप के इंटरेस्ट रेट होते हैं। जब आपने पैसे भरने हैं तो किस टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं, एक फिक्स्ड एक फ्लोटिंग। फिक्स्ड में क्या होता है, मान लो आपने लाख रुपए ले लिया और उन्होंने बोला कि 10% है आपका इंटरेस्ट रेट, तो आप 10% के इंटरेस्ट रेट पर आप अपना ईएमआई या जो भी अमाउंट है एक्स्ट्रा देके भरते रहोगे। ये हो गया फिक्स्ड, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, चाहे आपकी मार्केट ऊपर जाए नीचे जाए उससे फर्क नहीं पड़ता, इंटरेस्ट रेट फिक्स रहेगा। दूसरा होता है फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट। फ्लोटिंग में यानी कि ऊपर नीचे कर सकता है आपका इंटरेस्ट रेट जो आपने भरना है अपने लोन पे।
उसमें क्या है वो मार्केट के अकॉर्डिंग होगा। आज मान लो 10% है, या नेक्स्ट जब आपने साइकिल पे जब आपने पे करना है तब 12% हो गया, आपको ज्यादा इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अगर 12 से फिर कभी 6% हो गया फिर 6% इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो इसमें क्या है, फिक्स्ड काफी सेफ होता है, कंसिस्टेंट रहता है, लोग प्रेफर करते हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म होता है। आई थिंक जो फ्लोटिंग इंटरेस्ट होता है वो लॉन्ग टर्म होता है, और उसमें क्या है रिस्क ज्यादा है। लेकिन अगर मान लो अभी काफी ऊपर है इंटरेस्ट रेट्स और अभी नीचे जाएंगे, तो अगर आपको एक्सपेक्टेंसी है कि नीचे जाएंगे तो इट इज अ गुड ऑप्शन। अब जैसे इस टाइम पर नीचे ही जा रहे हैं, तो अगर आपने इस टाइम पे फ्लोटिंग करा और इकोनॉमी वापस रास्ते पे आ गई, तो धीरे धीरे आपके इंटरेस्ट रेट राइज करेंगे, तो इसका मतलब है आपको लोन के लिए ज्यादा पैसे निकालने पड़ेंगे। तो इस टाइम पर मेरे हिसाब से, पर्सनली मेरे अभी दिमाग के हिसाब से, फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट इज अ बेटर ऑप्शन, बट आई एम नॉट श्योर। अब एक बार गोल्ड लोन की बात करें, तो गोल्ड लोन में अगर आप देखोगे तो यहाँ बैंक्स दे रखा है, यहाँ इंटरेस्ट रेट दे रखा है, लोन अमाउंट और लोन टेन्योर, यानी कि कब से कितने महीने तक या कितने साल तक आप गोल्ड लोन ले सकते हैं, कितना अमाउंट यहाँ देख सकते हैं वैरी करता है, और इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट में अगर आप देखोगे यहाँ MCLR लिखा है। तो MCLR क्या है? MCLR होता है मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लेंडिंग रेट। ये क्या है? ये RBI पब्लिश करती है, यानी कि एक मिनिमम इंटरेस्ट रेट है जिसके नीचे कोई बैंक आपको नहीं दे सकता लोन। मान लो 10% है, अगर उन्होंने बोला MCLR, तो MCLR 10% के नीचे आपको लोन नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर इंटरेस्ट रेट सिमिलरली कैलकुलेट करने के लिए लिखा है कि MCLR प्लस 2% इंटरेस्ट। तो मान लो 10 है तो 10 + 2 12% आपका इंटरेस्ट रेट होगा फॉर गोल्ड लोन, और ये वैरी करता है। यहाँ पर अगर आप देखोगे HDFC का 10% से 27% है, तो ये काफी वैरी कर गया। आई थिंक ये फिक्स्ड और फ्लोट जो है इंटरेस्ट रेट, वो आपका सिर्फ होम लोन के लिए नहीं है, वो गोल्ड के लिए भी है। ये मैंने HDFC के वेबसाइट पे भी देखा, बट ये आई थिंक एवरेज है। कंसल्ट योर बैंक अगर आप एग्जैक्ट डिटेल्स चाहते हैं, काफी सारे बैंक है जिनके बारे में डिटेल है। एक एग्जाम्पल देने के लिए मैंने SBI का देखा, तो यहाँ पर पहले लिखा है लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज, यानी जब आप कुछ गिरवी रख रहे हो, तो सबसे पहला है कि लोन अगेंस्ट शेयर, म्यूचुअल फंड, ये सब चीजें। इसमें इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट 9.75% है। मैं आपको बताता हूँ, होम लोन के लिए अगर 7 से 10% होगा तो आपके सिक्योरिटीज के लिए थोड़ा, या गोल्ड के लिए या कोई सिक्योरिटी के लिए थोड़ा ज्यादा होता है। अगर 9.75 इसके लिए है, तो SGB के अगेंस्ट आपको पता है, मैंने बताया कि आप अपने सोवरिन गोल्ड बॉन्ड को कलेटरल की तरह यूज करके गिरवी रख सकते हैं, उसके जगह आप लोन ले सकते हैं। तो यहाँ पर SGB के लिए इंटरेस्ट रेट 9.25% है। बेसिकली ये एक अच्छा तरीका ये बताने के लिए कि भाई SGB ले लो, क्योंकि अगर आपको लोन के समय इसकी जरूरत होगी तो आपको 9.25% देना पड़ेगा, जो बाकी सिक्योरिटी से कम होगा। क्योंकि इससे ज्यादा अगर मैं आपको बताऊं, तो यहाँ पर देखो LIC वगैरह के लिए भी है, लेकिन वो हाईएस्ट है एट 11.90%, तो वो बेनिफिट के अकॉर्डिंग होता है। लेकिन ये भी बताने से पहले कि अगर आप SGB के अगेंस्ट लोन लेना चाहते हो तो कितना पैसे मिलेगा, ये सब मैं आपको बताता हूँ। एक टर्म होता है LTV रेशियो। LTV रेशियो यानी कि लोन टू वैल्यू रेशियो, जो RBI पब्लिश करती है, वो ये कहती है कि गोल्ड और उसके जैसे जो एसेट्स हैं गोल्ड से रिलेटेड, उस पे आपको 75% LTV रेशियो मिलता है। यानी कि अगर 1 लाख रुपए का आपका है कुछ गोल्ड, उसके अगेंस्ट आपने लोन लेना है, तो आपको उस 1 लाख के बजाय 75% इंटरेस्ट, जो 75% जो उसकी वैल्यू होगी उसके अगेंस्ट लोन मिलेगा। ये हो गया LTV रेशियो की बात और SGB की बात। और ये सिर्फ आपके सोवरेन गोल्ड बॉन्ड के लिए नहीं होता है, ये आपके फिजिकल गोल्ड कॉइन्स, सॉरी ज्वेलरी जो है, ऑर्नामेंट, उसके लिए भी वैलिड रहता है। एक बार गोल्ड लोन की बात करते हैं, यानी कि अगर आपके पास SGB बॉन्ड नहीं है और आप लोन लेना चाहते हो तो क्या करें? तो यहाँ गोल्ड लोन का दे रखा है 8.5% इंटरेस्ट रेट। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे SGB का 9.25 है और आपका फिजिकल गोल्ड का 8.5% है, यानी कि इनडायरेक्टली आपकी सरकार आपको बोल रही है कि अगर आपके पास कॉइन, आपके पास ज्वेलरी होती तो आपको और कम पैसे देने पड़ते इंटरेस्ट के टाइप पे। तो देख लो गोल्ड कितना अच्छा है, फिजिकल गोल्ड कितना अच्छा है। और दूसरा ये भी बात है कि सब इंसान इंडिया में जो होते हैं वो सोवरिन गोल्ड बॉन्ड लेके नहीं घूमते हैं। मैक्सिमम लोग जो हो गए इंडिया में वो फिजिकल गोल्ड प्रेफर करते हैं, और फिजिकल गोल्ड उनके पास होता है, तो इसीलिए इसका ये रेट है। तो ये चेंज होता रहता है टाइम टू टाइम। ये देखो अब 10th मई का है, तो ये टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। तो प्लीज रिफर टू योर बैंक साइट या बैंक ब्रांच फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। अब मैं ये बताना चाहता हूँ, RBI का एक सर्कुलर है कि आप किस टाइप से लोन ले सकते हैं, यानी कि ज्वेलरी, कॉइन्स,
आपको भी कंफ्यूजन होगा कि क्या अलाउड है गिरवी रखना। तो यहाँ पर उधार जो है गोल्ड के अगेंस्ट, ये टाइटल है मई 27 2013 की बात है, ये अपडेट करा है कि नहीं, आई एम नॉट श्योर एंड आई डोंट थिंक सो अपडेट किया गया है, बट ये सारे स्केड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स के लिए। अब स्केड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स की ये लिस्ट है आपके सामने, इसमें आप देख सकते हो काफी सारे बैंक्स हैं, बड़े बैंक्स जैसे एक्सिस बैंक, फिर आपका यहाँ पर HDFC, HSBC, ICICI, फिर आपका स्टेट बैंक, यहाँ पर काफी सारे बैंक्स हैं। अगर आप देखना चाहते हैं कि आपका बैंक स्केड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स है कि नहीं, तो या तो गूगल कर लें इसको या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक को क्लिक करें और चेक कर लें। तो यहाँ पर काफी अच्छे इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं, ये बोला है इन लोगों ने कि आपको गोल्ड कॉइन्स पे 50 ग्राम के ऊपर नहीं होना चाहिए। अब आगे जरूर सुने क्योंकि काफी इंटरेस्टिंग चीज होने वाली है। बैंक्स जो हैं वो कोई एडवांस नहीं दे सकते अगेंस्ट गोल्ड बुलियन। अब मेरे दिमाग में गोल्ड बुलियन तो आता है गोल्ड कॉइन्स और बार्स, लेकिन आई थिंक गोल्ड बुलियन का जो रियल मीनिंग है, ये बुलियन का रियल मीनिंग होता है बल्क में, यानी कि 30 किलो का सिल्वर बार होता है जैसे बुलियन, गोल्ड में जैसे होता है आपका 10 किलो या 1 किलो का गोल्ड बार, वो बुलियन में आता है, ठीक है। बैंक्स जो हैं अभी सिर्फ अलाउड हैं गोल्ड ऑर्नामेंट्स और ज्वेलरी के अगेंस्ट लोन देने के लिए, ठीक है, लेकिन स्पेशली मिंटेड गोल्ड कॉइन्स जो हैं जो बैंक बेचते हैं, अब आपके दिमाग में आएगा स्पेशली मिंटेड गोल्ड कॉइन कौन से, और गोल्ड कॉइन्स बेचते थे बैंक? देखो पहले तो बैंक्स बेचते थे, इस टाइम का नहीं पता, मैं आपको दिखा देता हूं। ये देखो ICICI का गोल्ड कॉइन, फिर आपको दिखाता हूँ HDFC का गोल्ड बार, फिर आपको दिखाता हूँ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का गोल्ड कॉइन, और यहाँ पर आई थिंक स्टेट बैंक एक और जगह का है, इनके भी गोल्ड कॉइन, यानी कि ये गोल्ड कॉइन्स है जो बैंक्स इशू करते थे, और इनके जो मैन्युफैक्चरर्स थे आई थिंक या तो MMTC या MMTC पैम्प या पैम्प, इनमें से कोई कंपनी होती थी जो बनाती थी, और ये 99.99% प्योर होते थे विद जीरो वेट टॉलरेंस आई थिंक। तो यहां पर ये दे रखा है कि चांसेस हैं कि जो कॉइन्स है उनका वेट ज्यादा हो सकता है। अब देखो जीरो वेट टॉलरेंस में मैंने ये बताया था कि वेट यूजुअली ज्यादा निकल जाता है, तो इस टाइम पर इन्होंने ये बोला कि बैंक को ये इंश्योर करना पड़ेगा कि जो कॉइन का वेट है वो 50 ग्राम पर कस्टमर के ऊपर नहीं जाना चाहिए, और जो गोल्ड ऑर्नामेंट ज्वेलरी और जो इनके स्पेशली मिंटेड गोल्ड कॉइन्स हैं वो 50 ग्राम के ऊपर नहीं होने चाहिए, वो एक लिमिट के बीच में ही बैंक आपको लोन उसके बेस पे दे सकता है, तो वो आपको बैंक से पूछना पड़ेगा। उसी के साथ साथ एक और बार अगर मैं बता दूं, स्पेशली मिंटेड गोल्ड कॉइन्स जो बैंक्स वगैरह बेचते थे उनका नेचर बुलियन नहीं होना चाहिए और वो प्राइमरी गोल्ड नहीं होना चाहिए। तो प्राइमरी गोल्ड आई थिंक या तो बहुत पुराना गोल्ड होता है, लेकिन एक टाइप होता है गोल्ड का। तो इस वीडियो में मैंने यही कवर करा है कि अगर आप फिजिकल गोल्ड के जगह पैसा चाहते हो, इस टाइम पर आपको जरूरत है, तो आपके पास ऑप्शन है या तो आपने बेच दिया, ठीक है, आपको ज्यादा अमाउंट भी मिलेगा क्योंकि लोन टू वैल्यू रेशियो के हिसाब से आपको 75% ही पैसा मिल रहा है, ठीक है, या तो ज्यादा गोल्ड निकालो या तो फिर जितना मिल रहा है उसी में संतुष्ट रहना पड़ेगा। अगर आप बेचोगे आपको अमाउंट ज्यादा मिलेगा, आपको किसी को वापस नहीं देना है, आपने बेच दिया आपके पैसे आगे काम हो गया। आई होप आपका ऐसा सिचुएशन ना हो जहां आपको ऐसा गुजरना पड़ेगा इस टाइम पर जहां आपको गोल्ड बेचना पड़े, बट अगर जरूरी है तो ये चीज उसी समय काम आती है जब जरूरत होती है। तो दैट इज वाई गोल्ड इज अ वेरी प्रोडक्टिव एसेट इस टाइम पर। सब देखो कैसे प्रमोट कर रहे हैं आजकल गोल्ड को, जो कि पास्ट में सबने बोला है कि गोल्ड इतना शाइन नहीं कर रहा है या फिर रिटर्न्स नहीं दिया है, बट सी आपको बचा सकता है फ्रॉम वेरी क्रिटिकल सिचुएशंस। सो नेवर स्टॉप बाइंग गोल्ड। आपका एक अगर आप इंश्योरेंस की तरह लेते थे पहले गोल्ड, तो आप अभी भी अच्छे से इंश्योर्ड ही हैं, नथिंग टू वरी अबाउट। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को जल्दी से लाइक करें, नीचे कमेंट करें आपको क्या लगता है, अगर आपको इस टाइम पर पैसे की जरूरत होती तो आपने अगर डिजिटल गोल्ड लिया होता आप उसको बेचते, आप फिजिकल गोल्ड बेचते या गिरवी रखते, क्या करते इस टाइम पर? आई वॉन्ट टू नो, प्लीज कॉमेंट बिलो। साथ साथ वीडियो को शेयर करें ताकि बहुत सारे लोगों को पता चले कि ये गोल्ड को गिरवी रखने का कॉन्सेप्ट क्या है। उसके साथ साथ प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन है उसके साथ में उसको जरूर क्लिक करें ताकि आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।